नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस उपाय को करने से कोई भी व्यक्ति हो उसे मानसिक शांति जबरदस्त मिलती है और दूसरा अचानक धन प्राप्त होता है। धन लगभग 99% लोगों की प्रॉब्लम है कि हमें धन नहीं मिल रहा है। इस उपाय को आप करें। पैसा नहीं मिल रहा है तो पैसा मिलेगा। यदि आपका पैसा कहीं खो गया है तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको खोया हुआ पैसा भी वापस मिलेगा, दबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। एंड सडनली, ऑल ऑफ सडन, आपको भरोसा भी नहीं होगा, ऐसी जगह से आपको पैसा मिल जाएगा। जबरदस्त मानसिक शांति मिलेगी। ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। आपको करना क्या है, सोमवार के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाना है, खुद को स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद में आप पहले से सर्च करके देख लें कि पीपल का पेड़ कहाँ है। पीपल के पेड़ में भगवान नारायण का वास है, भगवान विष्णु का वास है। पीपल के पेड़ में शनि देव का भी वास है। पीपल के पेड़ में वो तमाम देवी देवता रहते हैं जो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और कई योनि के जीव भी रहते हैं। अति इंद्रिय योनि के जो जीव पीपल में वास करते हैं वो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पीपल का पेड़ सर्च कर लेना है कहाँ लगा हुआ है, और सोमवार के दिन स्नान आदि करके आप स्वच्छ हो जाएं। कोशिश करें व्हाइट रंग के कपड़े पहने, और एक आपको व्हाइट धजा लेकर के आनी है। धजा बिल्कुल व्हाइट कलर की होनी चाहिए, चमकते रेशमी कपड़े की, व्हाइट कलर के रेशमी कपड़े की जो बिल्कुल चमक रहा हो। यह धजा आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ा देनी है, मतलब पीपल के पेड़ पर बांध देनी है। धजा ऐसी डाल पर बांधे जहां वो हवा से लहराती रहे। आप देखना दोस्तों, कई बार जब आपके कोई बड़े बड़े काम रुक रहे होते हैं, अड़चने आ रही होती हैं, तो इंसान मंदिरों में धजा की मान्यता रखता है कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम मंदिर में धजा चढ़ाएंगे। जिनको शारीरिक कोई कष्ट है या भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से मंदिर तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वे दूर से ही धजा दर्शन करते हैं। धजा दर्शन करने से मंदिर में जो भी देवी देवता स्थापित है उनके दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा घर की छत से ही मंदिरों के धजा के दर्शन करते हैं और दूर से ही प्रणाम करते हैं। भगवान हर जगह विद्यमान है। मंदिर में ना पहुंच पाए तो मंदिर की ध्वजा के दर्शन करने से ये पुण्य फल मिलता है। तो पीपल के पेड़ पर सफेद रंग की ध्वजा अर्पित करने से दोस्तों भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही आपके ऊपर कृपा बरसती है। ध्वजा आपके जीत की निशानी है। आप देखना, जब व्यक्ति किसी राज्य में कहीं पर भी उसका जो उसकी आइडेंटिटी है उसकी ध्वजा है। जीत हासिल करने के बाद वो अपनी ध्वजा वहां लगा देता है, मतलब कि अब ये राज्य, ये देश मेरा हो गया है ना। ध्वजा का लोग सम्मान करते हैं, ध्वजा बहुत ही आदरणीय चीज है। पीपल के पेड़ पर ध्वजा लगा करके आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त करते हैं, मतलब आपके घर में जो भी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हुई है वो भी मजबूत बनती है, धार्मिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनती है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी एकदम शांत हो जाती है। जो भी आपका अर्निंग का सोर्स है उसमें आपका मन लगने लग जाता है। आप देखना, यदि आपको आपकी किस्मत में फेलियर होना लिखा है या कोई भी कलंक लगना लिखा है तो आपका मन गलत जगह लगने लग जाएगा, आपका मन सही काम में नहीं लगेगा। आपका मन सही दिशा में आगे बढ़े जिससे आपका नाम बढ़े, आपका यश बढ़े, आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा आप चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आपके चंद्र को आप मजबूत बनाएं। चंद्र को मजबूत बनाने के लिए चंद्र से जुड़े हुए तमाम उपाय करने पड़ते हैं, जैसे सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करना, भगवान शिव की पूजा करना, है ना। जिनके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न है उनके चंद्र अपने आप मजबूत रहते हैं। तो इस उपाय को करने से आपका मन शांत होगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आपका मन उस जगह लगेगा जहां लगने से आपका नाम, यश और कीर्ति बढ़ेगी। तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करें, आप देखेंगे कि किस्मत चमकने लग जाएगी। फिर से बता दूं, धजा ऐसी डाल पर बांधें कि वो हवा से लहराती रहे, थोड़ी ऊंचाई पर बांधें और रिजल्ट देखें, बहुत अच्छा आएगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।